भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत उमरी कला के अध्यक्ष अमीर जहां, भाजपा सभासद वार्ड नंबर 4 वकील अहमद आदि ने उमरी कला के कुछ लोगों के खिलाफ क्षेत्र में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को उमरी कला निवासी सलीम उर्फ राजा अपने साथियों के साथ एसएसपी से मिले और अमीर जहां एवं वकील अहमद द्वारा एसएसपी के नाम लिखे प्रार्थना पत्र एसएसपी को पेश किए, जिसमें कहा गया कि शमीम अहमद पुत्र नसीम अहमद व उसका भाई मुस्तकीम अहमद व उसके साथी क्षेत्र में गुंडागर्दी करते रहते हैं। गत 16 जनवरी को फिरदौस की पुत्री मुस्कान का वार्ड संख्या 4 से शमीम अहमद आदि द्वारा अपहरण किया गया था। तभी से ये लोग अन्य लोगों से रंजिश रखने लगे और जानलेवा हमला करके घायल कर दिया गया। आरोप है कि इस मुकदमे में संगीन धाराएं ना लगाकर उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी से नाम दर्ज अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर की धाराएं लगाए जाने की मांग उठाई गई है। पीड़ित सलीम उर्फ राजा ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हाँ सलीम जी, कहाँ से आए हैं आप? क्या शिकायत है? उमरी कला थाना काटसा। क्या शिकायत है? शिकायत यह है कि मेरा भाई जो है वो सभासद है उमरी कला से बीजेपी के, तो वहाँ जो है राजनीति चल रही है बहुत ज़्यादा और मेरे भाई को इतना मारा गया है कि उसको जान से मार के छोड़ दिया गया। वो तो ऊपर वाले के शुक्र है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत जान थी कि वो बच गया। कौन लोग थे मानने में जो है वो? हाँ, जो हमारे यहाँ पे सपा के कुछ लोग हैं, मास्टर शमीम पूर्व जो है मेंबर, और उसका भाई मुस्तकीम, और उसके साथ में इदरीस अली और सरफराज, ये जो ये लोग जिन लोगों ने जो हमला किया और अन्य इनके साथ में कम से कम ये 15-20 जने। कब की घटना? ये 26 तारीख की घटना है और 26 तारीख को थाने के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। एफआईआर के लिए हम लोग गए थे, मगर वहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ ये बोला कि इसमें तमंचे थे, नहीं थे, ये वो बोल के फिर 27 तारीख को हमारी कंप्लेंट की, और 27 तारीख को जब जो उन्होंने एफआईआर की और उसके बावजूद भी तो हमारी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं। आज आप किससे मिले? आज हम कप्तान साहब के पास आए हैं, यहाँ से हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है।